25 मार्च को अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप ADAG के चेयरमैन अनिल अंबानी ने रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड यानी SEBI ने अनिल अंबानी के शेयर बाजारों में किसी सूचीबद्ध कंपनी से जुड़ने पर रोक लगा दी थी। SEBI ने फरवरी में रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड बिजनेसमैन अनिल अंबानी और 3 अन्य को कथित रूप से पैसा निकालने के आरोप में सिक्योरिटीज मार्केट से प्रतिबंधित कर दिया था। बाजार नियामक SEBI के आदेश के बाद अनिल अंबानी को किसी भी सूचीबद्ध कंपनी के साथ जुड़ने से रोक लगा दिया गया था। इसके बाद उन्होंने यह कदम उठाया और इस्तीफा दे दिया। रिलायंस पावर ने BSE फाइलिंग में कहा है कि अनिल अंबानी गैर कार्यकारी निदेशक SEBI के अंतरिम आदेश के अनुपालन में रिलायंस पावर के बोर्ड से हट गए हैं। तो वहीं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने कहा है कि अनिल अंबानी ने SEBI के अंतरिम आदेश के अनुपालन में अपने बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी शेयर बाजारों को बताया कि अनिल अंबानी ने SEBI के अंतरिम आदेश के अनुपालन में कंपनी के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया है। ADAG समूह की दोनों कंपनियों ने कहा है कि आर पावर और आर इंफ्रास्ट्रक्चर के निदेशक मंडल ने 25 मार्च को राहुल सरीन को 5 साल के कार्यकाल के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया है। हालांकि यह नियुक्ति अभी आम बैठक में सदस्यों की मंजूरी के अधीन है। 72 वर्षीय राहुल सरीन सिविल सर्वेंट रहे हैं। इन्होंने 35 से अधिक वर्षों तक लोक सेवा की है। वह केंद्र सरकार में सचिव के पद पर भी सेवानिवृत्त हुए थे। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मुताबिक पिछले 1 साल में कंपनी ने अपने करीब 8 लाख शेयर धारकों के लिए बहुत ज्यादा मुनाफा दिया है। कंपनी ने शेयर की कीमत 32 रुपए के निचले स्तर से बढ़ाकर 150 रुपए तक कर दिया। SEBI ने अनिल अंबानी पर बैन लगा दिया है। SEBI ने फरवरी में रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड उद्योगपति अनिल अंबानी और 3 अन्य व्यक्तियों को कथित रूप से धन निकालने के आरोप में प्रतिभूति बाजार में प्रतिबंधित कर दिया। अनिल अंबानी के शेयर बाजारों में किसी सूचीबद्ध कंपनी से जुड़ने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद से ही माना जा रहा था कि अनिल अंबानी को इस्तीफा देना पड़ेगा। अनिल अंबानी की अगर बात की जाए तो अनिल अंबानी का जन्म 4 जून 1959 को मुंबई में हुआ। अनिल धीरूभाई अंबानी एक बिजनेसमैन है। वह रिलायंस ग्रुप के अध्यक्ष हैं, जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के एक डिमर्जर के बाद जून 2005 में अस्तित्व में आई थी। 2016 के साल में फोर्ब्स के अरबपतियों की सूची के मुताबिक अनिल अंबानी की कुल संपत्ति $3.3 अरब थी। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री के फाउंडर धीरूभाई अंबानी के दोनों बेटों के बीच जब संपत्ति का बंटवारा हुआ तो किसी को अंदाजा तक नहीं था कि एक बेटा जहां अर्श से फर्श पर पहुंच जाएगा तो दूसरा देश और एशिया का सबसे अमीर उद्योगपति बन बैठेगा। किस्मत का चक्र ऐसा चला कि अनिल अंबानी 15 सालों में कंगाल हो गए। वहीं बड़े भाई मुकेश अंबानी सफलता के नए शिखर को छू रहे हैं। साल 2007 में फोर्ब्स इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अनिल अंबानी के संपत्ति में 3 गुना बढ़ोतरी हुई थी। इसका नेटवर्थ उछलकर $45 बिलियन पर पहुंच गया था। इस उछाल के साथ ही वह देश के तीसरे सबसे अमीर उद्योगपति बन गए थे। लेकिन सितंबर 2019 आते आते उनकी किस्मत तो पूरी तरह से बदल गई। अनिल अंबानी 12.40 अरब डॉलर के भारी कर्ज में डूब गए। उन्होंने खुद ब्रिटेन की एक अदालत में बताया कि वो कर्ज के भारी बोझ तले दबे हैं और उनकी संपत्ति 0 हो चुकी है। कर्ज में डूबे अनिल अंबानी की कई संपत्तियां एक के बाद एक बिकती चली गई। जुलाई 2021 में रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस को भी बेचना पड़ा। अब ADAG ग्रुप से भी इस्तीफा देना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।